हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट के बारे में, यूरिन एनालिसिस के बारे में, कि यूरिन टेस्ट के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और इसके बारे में हम समझेंगे डिटेल्स तरीके से कि यूरिन के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उसको हम किस तरीके से डिजीज़ के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यूरिन से बहुत सारे चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में समझ सकते हैं अगर हम यूरिन टेस्ट को अच्छे तरीके से देखना सीख जाएं। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट एनालिसिस के बारे में। इसको हम समझने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री और थर्ड बायोलॉजी। तो हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे कलर के बारे में, क्लियरिटी के बारे में, ऑर्डर के बारे में, ग्रेविटी के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। कलर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि कलर का रंग अगर पीला आ रहा हो, रेड आ रहा हो, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। सेकंड क्लियरिटी, क्लियरिटी कहने का मतलब है कि यूरिन जो है वो साफ आ रहा है या फिर क्लाउडी आ रहा है। तीसरा है ऑर्डर, ऑर्डर कहने का मतलब स्मेल से होता है कि यूरिन का स्मेल किस तरीके से आ रहा है। चौथा हो गया ग्रेविटी, ग्रेविटी कहने का मतलब है कि यूरिन जो है गाढ़ा है या पतला है। उसके बाद बात करेंगे हम वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम की यूरिन कितना अमाउंट में यूरिन पास आउट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कलर के बारे में, यूरिन का कलर कब चेंज होता है या फिर इस कलर से हम क्या समझते हैं। यूरिन का मेनली जो कलर होता है वो अगर रेड हो तो हो सकता है ऐसा कि कोई पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस यानी टीवी का कोई मेडिसिन ले रहा हो जिसके कारण यूरिन रेड हो जा रहा है। दूसरा रीज़न है अगर हम कोई फल के चुकंदर के तरह कोई फल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा यूरिन रेड हो सकता है, इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा कारण हो सकता है ऐसा कि अगर कोई पेशेंट बी कम्प्लेक्स विटामिन का इस्तेमाल अगर रेगुलर कर रहा है तो हमारा यूरिन रेड हो सकता है। चौथा, अगर हमारे यूरिन के अंदर ब्लड की मात्रा हो यानी कि HB आ रहा हो तो हमारा यूरिन जो है वो रेड दिखाई दे सकता है। तो ब्लड के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को समझ गए, आगे भी समझेंगे। और दूसरा आता है क्लियरिटी, क्लियरिटी कहने का मतलब ये है कि यूरिन जो है नॉर्मली पानी की तरह आर पार दिखना चाहिए, एकदम क्लियर। या फिर यूरिन के अंदर अगर मान लीजिए क्लियरिटी नहीं आता है, सही तरीके से आर पार नहीं दिखता है, तो हो सकता है कि यूरिन में पस हो या यूरिन में प्रोटीन आ रहा हो, तो इसके ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। तीसरा है ऑर्डर, यूरिन का ऑर्डर का तात्पर्य है स्मेल से कि हमारा यूरिन का स्मेल किस तरीके से आ रहा है। अगर हमारा शरीर डिहाइड्रेट है, हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो गया है, तो यूरिन का जो स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा स्मेल करने लग जाता है। दूसरा है अमोनिया, अगर हमारे यूरिन के अंदर अमोनिया ज़्यादा होता है तो हमारा यूरिन जो है बहुत ज़्यादा स्मेल होने लगता है। अगर अमोनिया हमारे यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट होते हैं तो हम समझेंगे, अगर बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है तो हम समझेंगे कि माइल्ड रीनल फेल्योर का स्टार्टिंग पीरियड का लक्षण है, तो इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। और उसके बाद आता है ग्रेविटी, ग्रेविटी कहने का मतलब है कि यूरिन पानी से हल्की आ रही है या फिर पानी से भारी आ रहा है। इसे हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पानी से अगर यूरिन हमारा हल्का हो रहा है तो हम समझेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो ओवर डिहाइड्रेट है, कहने का मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस पानी की मात्रा बढ़ा हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके अंदर जो ग्रेविटी होती है, जो हमारा यूरिन होता है, वो पानी से भी हल्का हो जाता है। और अब हम बात करेंगे पानी से भारी की बात, कि हमारा यूरिन का जो ग्रेविटी होता है वो पानी से भारी किस वजह से होता है। तो हमारा अगर शरीर डिहाइड्रेट है यानी कि हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो गया है तो हम समझेंगे कि इसका जो ग्रेविटी है वो पानी से भारी हो गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्री रीनल फ्लूड हो, कहने की मतलब कि हमारा मुझे मतलब पेशेंट को जो है पहले से ही कि कोई किडनी डिजीज हो। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम से कहने का मतलब कि कितना यूरिन पास आउट हो रहा है, ये तो पेशेंट से हिस्ट्री पूछने की ज़रूरत होती है।
और खासकर डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उसमें यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आते रहता है। अब हम बात करते हैं यूरिन के केमिस्ट्री के बारे में। तो यूरिन के केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है इसका पीएच, प्रोटीन, ग्लूकोज, केटोन्स और ब्लड। हमारा जो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक, और जो हमारा यूरिन का पीएच होता है वो होता है 5.6 से 6.6 तक। तो मेनली जो हमारा यूरिन का जो पीएच होता है वो अगर एसिटिक हो जाता है, यानी कि नॉर्मल पीएच से ज़्यादा हो जाता है, 6.6 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम समझेंगे कि यूरिन एसिटिक हो गया है। अगर एसिटिक हो गया है यूरिन तो ज़्यादा चांस रहता है कि हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन बढ़ गया हो, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो एसेटिक नेचर को होता है, वो किसी भी चीज़ के अंदर घुलता है या तोड़ता है और वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो वो अगर एसेटिक होता है, क्योंकि बैक्टीरिया एसेटिक नेचर का होता है, तो हम समझेंगे कि हमारे यूरिन के अंदर पीएच बढ़ जाने से कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा होता है प्रोटीन। यूरिन में प्रोटीन कभी नहीं आना चाहिए। अगर हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा जो ग्लोमेरुलर है किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेट करता है हमारे वेस्ट, हमारे वाटर को, लिक्विड को, वो सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो प्रोटीन है वो छनने के कारण ग्लोमेरुलर के द्वारा वो हमारे यूरिन से बाहर निकल रहा है। तो हम ऐसा समझेंगे कि हो सकता है कि हमारा जो किडनी है वो फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, खासकर ग्लोमेरुलर। तो अगर 1+2+ प्रोटीन रहे तो नॉर्मली हम इससे ज़्यादा सीरियस नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन अगर 3+ में जा रहा है तो इसे हमें किडनी फेल्योर, किडनी डिजीज के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो प्रोटीन है नॉर्मली 2+1+ वो अक्सर सिस्टाइटिस के कारण हो सकता है, या फिर अगर हमने कैथेराइजेशन किया है, कैथेटर लगाया है, इसके कारण भी प्रोटीन जो है 1+2+ आ सकता है। दूसरी चीज़ है ग्लूकोज। अगर हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो हम ऐसा समझेंगे कि हमारा जो बॉडी के अंदर ब्लड में जो ग्लूकोज है वो 180 mg/dL से ज़्यादा नहीं है। यूरिन में शुगर की मात्रा तभी होता है जब हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है वो 180 से ज़्यादा रहेगा, तभी हमारे यूरिन में ब्लड शुगर आएगा। तो आप लैब वाले टेस्ट पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लैब जो होते हैं वो रिपोर्ट को यूं ही बनाकर दे देते हैं, इससे आप पकड़ सकते हैं कि रिपोर्टिंग सही है या नहीं है। बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को सीख के आप लैब की रिपोर्टिंग को सही और गलत डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आता है केटोन्स। केटोन्स जो है वो हमारे यूरिन में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम केटोन्स हमारे यूरिन में आ रहा है तो हम सबसे पहले समझेंगे कि पेशेंट जो है वो अल्कोहलिक हो सकता है। जो पेशेंट ज़्यादा अल्कोहल होता है उसके यूरिन में केटोन्स का प्रेजेंट रहना बनता है, वो रहेगा ही। दूसरा आता है स्टारवेशन। तीसरा, केटोन्स आने का हमारे यूरिन में कारण है। तीसरा कारण, जो अगर हम ज़्यादा फास्टिंग कर लें, ज़्यादा दिन तक फास्टिंग कर लें तो यूरिन के अंदर केटोन्स की मात्रा बढ़ जाता है। तीसरा है डायबिटिक केटो एसिडोसिस। अगर ब्लड आ रहा है तो इससे हम क्या समझेंगे? अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो मेनली हम इसे सबसे पहले इसके ट्रामा के बारे में सोचते हैं कि पेशेंट को कोई इंजरी तो नहीं हुआ है, जेनिटल ऑर्गेन हो गया, किडनी इंजरी हो गया, बाहरी आघात तो नहीं हो गया। और इसमें हम इन
इन्फेक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो, ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर किडनी स्टोन हो गया हो, या फिर ब्लैडर स्टोन हो गया हो, या फिर BPH हो गया हो, या फिर यूरिनरी ट्रैक स्टोन हो गया हो जिसके वजह से यूरिन में ब्लड आ रहा हो, या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया हो, तो इन चीज़ों के कारण हमारा जो है किडनी में यूरिन में ब्लड की मात्रा आने लग जाता है। इसका विशेष डिटेल्स देखेंगे पेशेंट के ऊपर, पेशेंट के अकॉर्डिंग उससे पूछ के भी, सिर्फ यूरिन से डिसाइड नहीं किया जा सकता है, पेशेंट का हिस्ट्री भी लेना पड़ता है। इसके बाद भी एडिशनल में हम लोग यूरिन के अंतर्गत बिलिरुबिन देखते हैं। अगर हमारे यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजेन प्रेजेंट होता है तो हम समझेंगे कि जो पेशेंट को है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रखा है। इसके अलावा भी और चीज़ देख सकते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट स्ट्रेस। अगर हमारे यूरिन में ल्यूकोसाइट स्ट्रेस प्रेजेंट आता है तो हम समझेंगे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है जो WBC और बाहरी बैक्टीरिया के अंदर युद्ध हो रहा है। कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया की मात्रा इन्फेक्शन बढ़ गया हो। इसके अलावा हम लोग देखेंगे नाइट्रेट रिडक्शन, जो अगर हमारे यूरिन में नाइट्रेट रिडक्शन पाया जाता है तो हम समझेंगे कि हमारे शरीर में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का इफेक्ट हो गया है। और इसके अलावा हम लोग यूरिन में देखते हैं माइक्रो एल्बोमिन। अगर हमारे यूरिन में माइक्रो एल्बोमिन प्रेजेंट होता है तो हम समझेंगे कि ग्रेमुलर किडनी डिजीज हो रखा है, यानी कि हमारा जो किडनी है वो सही तरीके से फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, छान नहीं रहा है हमारे लिक्विड को शरीर के अंदर। जो माइक्रो एल्बोमिन प्रोडक्ट है वो हमारे यूरिन से बाहर हो रहा है। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा यूरिन के फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बायोलॉजी के बारे में। तो इसके बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे RBC, WBC, एपिथेलियम सेल, कास्ट और क्रिस्टल। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं RBC के बारे में। अगर हमारे यूरिन में RBC 2 या 3 रहेगा तो नॉर्मल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही RBC हमारे यूरिन में 3 से ज़्यादा है तो इसके बारे में हमें सोचना ज़रूरी होगा, और इसके आगे का जो पेशेंट का हिस्ट्री और अदर टेस्ट को देखते हुए इसका ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरी चीज़ है WBC। अगर हमारा WBC 2, 3, 4, 5 HPF आता है तो ये नॉर्मल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से ज़्यादा आता है तो हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल कंडीशन है, बैक्टीरिया के कारण ऐसा हो रहा है। अगर 5 से 10 आता है तो ये सिग्निफिकेंट है। अगर 50 से ज़्यादा आता है तो हम समझेंगे WBC, अगर हमारे यूरिन में 50 से ज़्यादा आता है तो हम समझेंगे ये पायूरिया है, यानी कि यूरिन के अंदर पस आ रहा है। और तीसरा चीज़ हम लोग समझेंगे एपिथेलियम सेल के बारे में। अगर हमारा ब्लैडर का वाल या फिर यूरेटर से कुछ झड़के आ रहा है, उसके वाल के ऊपर से उसका ऊपरी भाग जो होता है वो झड़के यूरिन से अगर बाहर आता है, जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, वो एपिथेलियम सेल के जो हमारे यूरिन टेस्ट में दिखता है, अगर एपिथेलियम सेल है तो वो एपिथेलियम सेल दिखता है, जो हम समझेंगे कि ये ब्लैडर के वाल या फिर यूरेटर से झड़ता हुआ उसका लेयर का आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सिस्टाइटिस के कंडीशन में ऐसा हो। हालांकि ये कैंसर पेशेंट के अंदर, मतलब कैंसर के पेशेंट में ऐसा होता है, एपिथेलियम सेल ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये बहुत रेयरली केस है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग समझेंगे कि ये सिस्टाइटिस में ऐसा हो रहा है। तो दूसरी चीज़ है क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल तो थोड़ा सा इसके बारे में जानने के लिए डिटेल्स में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्रिस्टल अगर हमारे यूरिन में आता है तो हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में कहीं ना कहीं स्टोन है, या फिर UTI इन्फेक्शन है जिसके कारण हमारे यूरिन में क्रिस्टल आ रहा है। तो